इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि देखिए, बंगाल में उनके ऑब्जर्वर्स ने बंगाल और त्रिपुरा में पूरी तरह से जांच की है और कल 4:30 बजे दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की पूरी तरह से बैठक होगी और फिर निष्कर्ष निकलेगा कि आगे का क्या करना है बंगाल में। शायद चुनाव के डेट्स पता लगें या सेंट्रल फोर्सेज वहाँ तय होने चाहिए कि नहीं डिप्लॉय होने चाहिए, इस पर भी बात होगी। ऑलरेडी इस पर सियासी घमासान है, लेकिन वहाँ तृणमूल कांग्रेस से पलायन जारी है। राजीव बैनर्जी जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल कैबिनेट में, अपना इस्तीफा दे चुके हैं। वहां राजभवन में जाकर गवर्नर जगदीप धनखड़ जी से भी मिलकर आ चुके हैं। आशिका सिंह जुड़ रही हैं डिटेल्स के साथ। आशिका, बताइए, एक और बहुत बड़े लीडर हैं, ममता बैनर्जी के कॉन्फिडेंट माने जाते थे, शुभेंदु अधिकारी के बाद ये बहुत बड़ा नाम है जो कि अब शायद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर निकल जाएगा। बिल्कुल, कई महीनों से नाराज़ थे राजीव बैनर्जी और आज आखिरकार उन्होंने फेसबुक पर इस्तीफ़ा दिया। मैं आपको बताऊं, जो पोस्ट उन्होंने फेसबुक पर किया है, अंतिम जो पंक्ति लिखी है उन्होंने, ये लिखा है कि मैं लोगों की के लिए काम करना चाहता हूं, इसीलिए राजनीति में आया हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में मुझे इसका मौका मिलेगा। यानी संकेत साफ है, जैसा कि इसके पहले देखा गया था कि लक्ष्मी रतन शुक्ला हावड़ा से ही थे, मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहा कि नहीं, मैं तो राजनीति छोड़ना चाहता हूँ। राजीव ने साफ कर दिया कि राजनीति में तो हूँ लेकिन मंत्री पद छोड़ रहा हूँ। जाहिर है तृणमूल कांग्रेस से नाराज़ हैं, आगे क्या रास्ता इख्तियार करते हैं देखने वाला होगा। मैं राजभवन के सामने हूँ इस समय, अंदर करीब 40 मिनट से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ हैं राजीव बैनर्जी और किसी भी समय यहाँ से निकल सकते हैं। आगे क्या करेंगे ये वो निकलने के बाद ही साफ करेंगे। क्या पार्टी छोड़ेंगे, क्या विधायक पद छोड़ेंगे, क्या होगा उनका आगे का कदम, अभी ये साफ नहीं है। आनंद, आशिका, तृणमूल कांग्रेस ने शताब्दी रॉय को तो रोक लिया, प्रसून बैनर्जी को भी शायद कहीं मना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से रूठे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ, जैसे आपने कहा, लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी छोड़ दिया, कहा मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, लेकिन अब कई सारे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें अब तृणमूल से नहीं लेना देना है, हमें तृणमूल से बाहर निकलना है। कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कोई और रास्ता निकाल रहा है, कुछ लोग तो अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो लिस्ट है ये जो है बढ़ती ही जा रही है, जो बागी हैं तृणमूल के ये कहा जा सकता है कि उनकी संख्या कम नहीं हो रही है। राजीव बैनर्जी, प्रसून बैनर्जी, लक्ष्मी रतन शुक्ला, तीनों हावड़ा जिला के नेता हैं, आप समझ सकते हैं। शताब्दी रॉय ने ये अभिषेक बैनर्जी के साथ बात तो हो गई है लेकिन अभी भी उनको जो वहाँ के जिले के कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है जैसा कि वो चाहती थी। तो आने वाले दिन में वो क्या कदम उठाती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कई जो है वो सांसद, कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो चुनाव के पहले ये जो जोड़ तोड़ है ये जो है कैसे चलती है, क्या होता है आगे, देखने की बात है। तो आपने कहा कि राजीव बैनर्जी कम से कम 48 मिनट से गवर्नर साहब के साथ अंदर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, कभी भी बाहर आ सकते हैं, तो आशिका आप ही के साथ रुकते हैं, लेकिन एक और इसमें डायमेंशन है कि बीएसएफ को भी खींच लिया तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सियासत में। सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट पर ऑलरेडी वहां सियासी घमासान छिड़ चुका है, क्योंकि बीजेपी का आरोप था कि देखिए बॉर्डर इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन को मौका दिया जा रहा है और रोहिंग्या मुसलमानों को और नॉन इंडियन सिटीजन को वोटर आईडी कार्ड दिए जा रहे हैं। वहीं बीएसएफ के क्रैकडाउन पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सेंटर के इशारे पर बीएसएफ हरकत पर आ रही है, और आज भी कहीं ना कहीं बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगे, अब ये कल तक के लिए टल गया है क्योंकि कल 4:30 बजे सुनील अरोरा जी ने कहा कि दिल्ली में बैठकर इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये बीएसएफ ने फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन आना भी कहा दिया आशिका, कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हमारा काम सीमा की रक्षा करना है, हम वही करेंगे, ड्यूटी अनटू डेथ हमारा मोटो है, हम उसी पर चल रहे हैं, हम हमारा काम ग्राउंड पर कर रहे हैं। लेकिन इस पर भी अब सियासत हो चुकी है कि क्या स्टेट के हाथों होगा लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन, या फिर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगे, क्योंकि हमें याद है कि पंचायत इलेक्शंस में क्या हुए थे 2018 में।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट बता दूं कि चुनाव आयुक्त जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अपने असेसमेंट पर सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, यानी कि सेंट्रल फोर्सेस आएंगी, लेकिन कब इसका असेसमेंट खुद चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। जहाँ तक बात बीएसएफ की है, बीएसएफ की तरफ से खुद कल एक बयान जारी कर ये कहा गया था कि बीएसएफ एक पॉलिटिकल जो है संगठन है, देश की रक्षा में नियुक्त है, इसको राजनीति में खींचना उचित नहीं है। वहीं टीएमसी लगातार बीजेपी पर आरोप, बीएसएफ पर आरोप, सीमांत को लेकर के सवाल उठा रही थी, तो वहीं बीजेपी भी सीमांत इलाकों को लेकर ही सवाल उठा रही थी कि कैसे वोटर लिस्ट में इतने ज्यादा नाम बढ़ गए। जी जी आशिका, आपने जो कहा वही अभी अपडेट है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही है, सुनील अरोरा जी बोल रहे हैं वहां पर, जैसा आपने कहा उन्होंने कहा कि देखिए सेंट्रल फोर्सेस की डिमांड तो होगी लेकिन हम हमारे एसओपी के तहत करेंगे। सेंट्रल फोर्सेस चुनाव से पहले डिप्लॉय जरूर होंगे लेकिन 3 महीने पहले हो जाएंगे ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ये भी दिखा रहा है कि हम निष्पक्ष, हमारी जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्राउंड पे असेसमेंट क्या है, बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, तृणमूल चाहे कुछ भी कहे, हमें चुनाव ऐसे कराने हैं ताकि वो निष्पक्ष हो, ऐसा हो, ऐसा माहौल हो कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर, डर डराव का और वायलेंस का कोई सिचुएशन ना हो। और कुछ कुछ बातें उन्होंने साफ कर दी हैं कि जहां उन्होंने वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी से भी कह दिया है कि कोई भी ग्रीन या सिविल पुलिस, इलेक्शन कमीशन या पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द नज़र नहीं आनी चाहिए, जहां चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वहां ये लोग नहीं होने चाहिए। तो कुछ कुछ बातें इलेक्शन कमीशन ने भी नोट की हैं। आनंद, बीएसएफ पर जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया था उस पर चुनाव आयोग ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये शब्द का इस्तेमाल किया कि दुर्भाग्यजनक है ये बात। तो जैसे कि बीएसएफ ने कल अपने बयान में कहा था कि हम जो हैं वो हमें राजनीति में खींचना उचित नहीं है, उसी तरह से आज चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया है कि ये दुर्भाग्यजनक है। जी हाँ, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गहमा गहमी जो है ये यहाँ थमने नहीं वाली है, क्योंकि बीजेपी बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात उठा रही है और कहीं ना कहीं ये जाकर सही बैठता है, क्योंकि 2018 में जिस तरह की वायलेंस हमने देखी पंचायती चुनाव में, उसके बाद कोई जस्टिस नहीं हुआ है, क्रैकडाउन नहीं हुआ है, जिन्होंने भी वो कहर बरपाया।